हेलो एवरीवन, आज मैं ग्राफिक्स की इलिप्स जनरेशन मिडपॉइंट इलिप्स जनरेशन एल्गोरिथम को बताऊंगी। मिडपॉइंट इलिप्स जनरेशन थोड़ा लेंथी लेक्चर हो सकता है ये। तो सबसे पहले इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलिप्स कैसा होता है। तो जैसे सर्कल हमने पढ़ा था सर्कल जनरेशन में कि सर्कल जो होता है वो 8 ऑक्टेंट्स में सिमेट्रिसिटी होती है उसकी, लेकिन इलिप्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो इसकी जो सिमेट्रिसिटी होती है वो क्वाड्रेंट में होती है, ना कि ऑक्टेंट में, ठीक है। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। तो इलिप्स की जो एक जनरल इक्वेशन होती है पॉलीनोमियल मेथड जो होती है उस होती है x माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर h और k जो हैं वो इलिप्स का सेंटर हैं, a जो है वो लेंथ है मेजर एक्सिस की और b जो है वो लेंथ है माइनर एक्सिस की। ये जो एक्सिस दिख रहे हैं ना, एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है। तो a इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो बड़ी एक्सिस दिख रही है और b इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ओके। एंड h एंड k आर द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो हमें जब हम इलिप्स को ग्राफिक्स में ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमेशा ग्राफिक्स में क्या होता है, हम पिक्सल्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम पिक्सल्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम x और y की डिफरेंट पोजिशन पर कोई रंग कलर कर रहे होते हैं। तो हमें यह पता करना होता है कि जो नेक्स्ट पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन पे हमें कोई पर्टिकुलर कलर को ड्रॉ करना है, कोई पर्टिकुलर कलर शो करना है। तो इलिप्स में होता क्या है कि हम इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं कि x, अगर हमने मान लिया कि x हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो y क्या होगा, इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। बट इस इक्वेशन में क्या है कि ये स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन आता है जो कि एफिशिएंट नहीं होता है। इसके अलावा एक और मेथड होती है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में भी होता क्या है, उसमें इस तरीके की इक्वेशंस मिलती है, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस h, y इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस k, जहां पर x और y वो पोजीशन है जो हमें ड्रॉ करना है। यहां पर x और y वो पोजीशन है। तो इसमें थीटा जो होता है वो इलिप्स का एंगल दिया होता है x एक्सिस से और a वही है, a और b मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ, h और k आपका सेंटर है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन को भी अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसमें भी एफिशिएंसी कम होती है, कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको भी अवॉइड किया जाता है। तो फिर अब किस मेथड के द्वारा हम x और y की डिफरेंट पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं मिड पॉइंट इलिप्स जनरेशन, है ना। मिड पॉइंट मेथड के द्वारा हम निकालते हैं। तो कभी भी जब भी हमने सर्किल के लिए भी पढ़ा था तो हमें एक डिसीजन पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो डिसीजन पैरामीटर है वो है एफ एक्स y। एक्चुअली जब हमारा इलिप्स का एक इक्वेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर सेंटर 0-0 है, अगर हम इस वाले इक्वेशन में सेंटर 0-0 पुट कर दें तो इलिप्स की जो इक्वेशन आती है वो इस तरीके से जनरेट होगी, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को बेस बनाते हुए हमारा डिसीजन पैरामीटर लिखते हैं। तो डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन है इलिप्स की, जबकि सेंटर 0-0 है, ये एक डिसीजन पैरामीटर की तरह वर्क करेगा। कैसे डिसीजन पैरामीटर होगा ये, तो इसको हमें देखना है, इस फंक्शन में अगर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा बेसिकली x और y की वैल्यूज को। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो लेस देन 0 हो सकती है, वो इक्वल टू 0 हो सकती है और वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। तो अगर ये कंडीशन, ये सिचुएशन है, अगर वो लेस देन 0 है, दैट मींस कि आपने जो पॉइंट एक्स वाई पुट किया है वो कहाँ पर है, इनसाइड द इलिप्स है, है ना, इनसाइड द इलिप्स है। इक्वल है तो ये ऑन द इलिप्स है, बिल्कुल आपका सही पॉइंट है। और अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड द इलिप्स के बाहर वो चला गया है, ठीक है। ये एक डिसीजन पैरामीटर हमारा है, ठीक है। अब देखिए, जब हम सर्किल को
करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम जब इलिप्स के लिए कर रहे हैं तो हमें रीजन वाइज चलना पड़ेगा। कैसे रीजन वाइज? हम अकेले इस ऑक्टेंट की बात करते हैं, पहला क्वाड्रेंट की, सॉरी ऑक्टेंट नहीं क्वाड्रेंट, यहाँ पर ऐसा ले लिया हमने, ये रीजन हमारा वन है और ये है हमारा रीजन टू, ठीक है, रीजन वन एंड रीजन टू। यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू है, ये मान लीजिए आपका है जीरो बी और ये है आपका ए जीरो, ठीक, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ठीक है, ये हम ड्रॉ कर देंगे जीरो बी को, जीरो आपको पता है, बी आपको पता होगा, तो जीरो बी को आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और हम इस डायरेक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए एक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पर एक से बढ़ते जाएगी, मतलब जो नेक्स्ट एक्स रहेगा, एक्स अगर हम रीजन वन और रीजन टू को इस तरीके से बात करें कि रीजन वन में क्या होगा, एक्स जो नेक्स्ट होगा के प्लस वन वो होगा प्रीवियस एक्स से एक ज्यादा, ठीक है, लेकिन जो वाई होगा वाई के प्लस नेक्स्ट वाई जो होगा, देखिए वाई कम हो रहा है, तो या तो वो वही, इसके लिए हमारे पास दो चॉइस होंगी, या तो वो वही हो सकता है या फिर वो उससे एक कम हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रीजन टू की बात करें, रीजन टू में जब हम पहुंचते हैं तो रीजन टू का जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होगा कि आपका जो वाई है वो वाई हमेशा डिक्रीमेंट होगा, लेकिन एक्स में आपको एक्स के प्लस वन की नेक्स्ट एक्स के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो वो वही एक्स रहेगा प्रीवियस वाला, या फिर वो एक्स से एक ज्यादा हो जाएगा। देखिए जब आप रीजन टू में आते हैं तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करने हैं, तो यहां पर जब हम नेक्स्ट एक्स कैलकुलेट, तो एक्स तो हमेशा एक से बढ़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट एक्स हमेशा थोड़ा थोड़ा, एक्स हमेशा बढ़ेगा नहीं, एक्स तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एक से बढ़ रहा है या वो प्रीवियस वाला एक्स है, एक्स में इंक्रीमेंट बहुत कम दिख रहा है, लेकिन जो वाई है वाई में डिक्रीमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली है, तो वाई जो हमेशा नेक्स्ट वाला रहेगा वो हमेशा वाई के माइनस वन रहेगा, डिक्रीमेंट होगा। तो ये रीजन वन और रीजन टू में फिक्स होता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा लेना है रीजन वन में और इन दोनों में से कौन सा लेना है रीजन टू में, ठीक है। तो इन मिड पॉइंट में क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला जाता है और रीजन वन में, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला जाता है रीजन टू के लिए। मिड पॉइंट को जब हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, उसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और उसको पुट करते हैं हम फिर से इस इक्वेशन में, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है कौन सी कंडीशन ऑकर हो रही है। अगर लेस देन जीरो हो रही है तो मतलब जो मिड पॉइंट है वो इनसाइड है, अगर आपका मिड पॉइंट ही इनसाइड आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कौन से वैल्यू लेनी है, आपको वैल्यू लेनी है कम वाली, ठीक है, और मिड पॉइंट इनसाइड आ रहा है तो आपको वैल्यू ज्यादा वाली लेनी है ना, और मिड पॉइंट अगर आ रहा है तो ठीक है, और मिड पॉइंट अगर आपका बाहर जा रहा है तो आपको वैल्यू कम कर देनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है। रीजन टू में अगर आपका मिड पॉइंट ये वाली सिचुएशन आ रही है, मतलब मिड पॉइंट अंदर है, तो कम वाली मतलब ये वाली लेनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है कम वाली, अगर अंदर है। मिड पॉइंट अगर बाहर जा रहा है मिड पॉइंट ही, तो आपको आपको फिर ये सॉरी अगर आपका मिड पॉइंट अंदर जा रहा है तो आपको ज्यादा वाली वैल्यू लेनी, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सी होगी ये, और अगर मिड पॉइंट आपका बाहर जा रहा है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये रीजन वन और रीजन टू में एक्स और वाई को कैलकुलेट करना। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको रीजन वन में कब तक कैलकुलेशन करते जाना है, रीजन टू में कब स्विच होना है आपको, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इसको ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये डिसीजन पैरामीटर, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एंड वाई के रिस्पेक्ट में हम इसको, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है टू बी स्क्वायर एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर वाई माइनस में इज इक्वल टू माइनस वन। इस सिचुएशन तक हमें इसको लेके जाना है ना, ये रीजन टू, ठीक है। तो जब तक हमारा टू बी स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू ए स्क्वायर वाई नहीं हो जाता, तब तक हमें ये करते आना, ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, तो डेराइव कर लेते हैं उसको। ड्राइव के साथ साथ इसकी मैं स्टेप्स भी बताते जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप जो है वो है इसमें, इस एल्गोरिथम में स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होती है
दैट इज मैंने लिख के रखा हुआ है स्टेप वाइज, मिनट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पहला स्टेप क्या है, इनपुट आर एक्स आर वाई, ठीक है। अब यहां आर एक्स आर वाई लिया है, वहां मैंने ए भी लिया था, ठीक है। जो ए है वो ये है आर एक्स, और बी जो है वो है आर वाई, मतलब ये मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया, ये माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया। रेडियस ऑफ एक्स, रेडियस ऑफ वाई भी बोल सकते हैं। एंड इलिप्स सेंटर, इलिप्स सेंटर को दिया है एक्स जीरो वाई जीरो, डोनोट किया है। एंड ऑप्टेन द फर्स्ट पॉइंट ऑन द इलिप्स सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन एज जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो आर वाई। मैंने बोला था ना यहां जैसे ये इलिप्स है तो ये वाला पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं, ये वाला, तो यहां पर ये क्या है जीरो आर वाई इसकी पोजीशन। तो पहली स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली स्टेप में हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनपुट कराना है आर एक्स और आर वाई को और इलिप्स के सेंटर को, और पहले पॉइंट को हमें हमें क्या करना है, पुट कर देना है, ऑप्टेन करना है, या हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो पहला पॉइंट होगा जीरो आर वाई, ठीक है, जबकि उसका सेंटर होगा एक्स जीरो वाई जीरो। सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिसीजन पैरामीटर इन रीजन वन एज, ये कैसे आया है ये हमें निकालना पड़ेगा डेरिवेशन के थ्रू, ठीक है। ये देख लीजिए आप पहले ये क्या वैल्यू निकली है, पी वन जीरो, ठीक है। अब दो डिसीजन पैरामीटर निकालने होंगे, एक रीजन वन के लिए और एक रीजन टू के लिए। तो पहला हम निकालते हैं पी के वन, ये डिसीजन पैरामीटर है किसके लिए, रीजन वन के लिए। तो रीजन वन में हमने क्या देखा था कि रीजन वन में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास दो चॉइस होती हैं y के लिए, और x हमारा जो होता है एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू नेक्स्ट एक्स प्लस वन प्रीवियस एक्स प्लस वन, और जो वाई के प्लस वन होता है वो हमारा होता है वाई के या फिर वाई के माइनस वन में से कोई। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट इज वाई के माइनस वन वाई टू हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो आप। इस पॉइंट को हम रखेंगे एफ के अंदर, एफ हमारा क्या था, ये पॉइंट हम रखेंगे, ठीक है। तो हमारा एफ क्या था, वही ए स्क्वायर ये था ना हमारा एफ, एफ एक्स वाई क्या था आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां पर हम एक्स और वाई की जगह क्या रखेंगे, अब एक्स प्लस वन और वाई के एक्स के प्लस वन और वाई के माइनस वन वाई टू, तो रख देते हैं हम यहां पर। तो इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई के माइनस वन वाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पी के हो गया। अब पी के वन हो गया, पी के वन प्लस वन है ना, नेक्स्ट पी के, ये पी के वन है। अब पी के वन जो है रीजन वन का नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, हम क्या करेंगे, एफ एक्स के प्लस वन है ना, यहाँ के प्लस वन प्लस वन वाई के प्लस वन माइनस वन वाई टू, जैसा हम सर्कल में कर रहे थे वैसा यहां करेंगे। अब देखिए यहां पर ये आएगा बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई के प्लस वन माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा डिसीजन पैरामीटर रीजन का, ये नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर ऑफ रीजन वन। ये हमने दोनों वैल्यूज पुट कर ली हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू निकालनी होती इन टर्म्स ऑफ डिसीजन पैरामीटर। तो हम अब क्या करेंगे, पी के प्लस वन माइनस पी के करेंगे। तो देखिए बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस वन तो एक्स के प्लस वन ही हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट एक्स के क्या रहता है हमेशा प्रीवियस के से प्रीवियस एक्स से एक ज्यादा, तो इसको ये रख देंगे का होल स्क्वायर प्लस वन, इसको मैं ओपन कर रही हूं ना, इसका स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स के प्लस वन है ना, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम नहीं ओपन करेंगे, इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
अब बी के की वैल्यू लाएंगे ऊपर से, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई के माइनस वन वाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये माइनस कट जाएगा। फिर रखते हैं पी के प्लस वन इज इक्वल टू पी के को उधर कर देते हैं प्लस बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स के प्लस वन, क्लियर है, प्लस ए स्क्वायर वाई के, ओ बी ला बी को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बी स्क्वायर और यहाँ पे टू बी स्क्वायर करना पड़ेगा, वाई के माइनस वन वाई टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई के माइनस वन वाई टू का होल स्क्वायर। तो देखियो ये गया और ये भी चला गया मेरे ख्याल से, है ना, ये भी जाएगा ना, लग तो रहा जाएगा ना, नहीं जाएगा क्योंकि ये वाई के प्लस वन है ना, यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये नहीं जाएगा, है ना, ये सही है क्योंकि ये वाई के माइनस वन बाय टू है और ये वाई के प्लस वन माइनस वन बाय टू, इसलिए ये तो रहेगा। मतलब क्या क्या बचा हमारे पास, पी के बचा प्लस बी स्क्वायर बचा प्लस टू बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन ही कर देती हूँ मैं इसको, प्लस ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये बचेगा वाई के प्लस वन माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वाई के माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा रहेगा ये कुछ। अब देखो ये आई है वैल्यू पी के प्लस वन की, अगर पी के प्लस वन पी के वन लेस देन जीरो होता है, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू जीरो से कम आती है, तो होता क्या है, जो आपका वाई है ना नेक्स्ट वाई वो वही रहेगा ना, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो इनसाइड है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रीवियस मतलब जो भी दोनों में बड़ी वैल्यू होगी उस पर ले जाना पड़ेगा, तो बड़ी वैल्यू ये है। और अगर ये पी के वन जो है पी के वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया है तो वाई के प्लस वन जो है वो वाई के माइनस वन छोटा वाला लेना, अगर ये ऊपर पहुंच गया है जीरो से ऊपर हो गया है तो वाई के जो नेक्स्ट वाई के है ना उसको माइनस वन पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, तो पी के प्लस वन की दो वैल्यू आएंगी इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। करना क्या है आपको, पहले आप वाई के प्लस वन की जगह वाई के रख दो, मतलब यहां पे हमने वाई के रखा तो वाई के माइनस वन बाय टू, तो अब ये जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आएगी पी के प्लस टू बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो गया क्योंकि हमने वाई के प्लस वन की जगह क्या रख दिया, वाई के रख दिया। अब हम यहाँ पे वाई के दूसरी कंडीशन की बात करें, है ना, तो दूसरी कंडीशन में हम क्या रखेंगे, यहाँ वाई के प्लस वन की जगह वाई के माइनस वन रखेंगे, ठीक है। अब वाई के माइनस वन जब हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है, पी के प्लस टू बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन, ये तो चेंज होगा नहीं आगे का, है ना, प्लस बी स्क्वायर जो पहले ऊपर का था वो माइनस, ये पूरा सॉल्व होके जब हम वाई के प्लस वन की जगह वाई के माइनस वन रखते हैं तो ये पूरा आप सॉल्व करके देखना, ये आएगा टू ए स्क्वायर वाई के प्लस वन, ये आ गया, ठीक है। अब इनिशियल, इनिशियल के लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या होगा इसका, इनिशियल इनिशियल में क्या करना होगा हमें, हमको जो हमने पहले सबसे पहले हमारा जो था पी के, पी के क्या आया था हमारा, ये आया था सबसे पहले ये, इसकी जगह हमें क्या करना है, हमें क्या रखना है, बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन का स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर वाई के माइनस वन वाई टू का स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, यही था हमारा पी के, तो हमें निकालना है पी पी के वन सॉरी तो पी के जीरो, पी के वन जीरो निकालना है इनिशियल डिसीजन पैरामीटर रीजन वन का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बी स्क्वायर हमें एक्स के की जगह जीरो लेना पड़ेगा और हमें ये जो वाई के है ना इसकी जगह हमें बी लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम कहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं ना, इस पॉइंट से, ये हमारा डायग्राम था, इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जीरो और बी ही रहेगी वैल्यू, है ना, जीरो और बी हम यहां पर पुट कर देंगे, एक्स की जगह जीरो और y की जगह क्या पुट करेंगे हम, b,
तो ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर ही, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेंगे ए माइनस बी से, बी स्क्वायर प्लस वन बाय फोर माइनस बी हो जाएगा, है ना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये चला गया यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए स्क्वायर बी, ये बचा, देख लेते हैं हम हमारे स्टेप्स में, ठीक है, तो देखिए स्टेप्स में आते हैं हम दोबारा से लौट के, तो यहाँ था कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिसीजन पैरामीटर इन रीजन वन एज पी वन जीरो, अब देखो बी की जगह हमेशा आर वाई होगा और ए की जगह आर एक्स होगा, मैंने कंफ्यूजन वहां दूर करने के लिए ए बी लिया है, यहाँ यहाँ पर देखो जो हमने कैलकुलेट करा है वो बी होगा, तो बी की जगह आया आर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिया है यहाँ इन्होंने पहले, तो ये हो गया ए जो होगा वो आर एक्स होगा और बी जो होगा वो आर वाई होगा प्लस वन बाय फोर ए की जगह आर एक्स, है ना, आर एक्स स्क्वायर, तो ये सेकेंड जो आपका स्टेप था वो कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड और फोर्थ थर्ड स्टेप भी कर चुके हैं तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। एट ईच एक्स के पोजीशन इन रीजन वन स्टार्टिंग एट के इक्वल टू जीरो परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट, हमने कर लिया है, कौन से टेस्ट परफॉर्म करना है, फॉलोइंग टेस्ट कौन सा, इफ पी वन के इज लेस देन जीरो द नेक्स्ट पॉइंट अलोंग द एलिप्स सेंटर ऑन जीरो जीरो इज एक्स के प्लस वन वाई के, क्योंकि जब पी के जब जीरो है, पी वन के जीरो है, लेस देन जीरो है, तो x तो वही रहेगा, नेक्स्ट x हो जाता है, लेकिन yk की मैंने बताया था यहाँ पे कि yk की जगह हमारा क्या आएगा, yk नेक्स्ट जो होगा वो yk ही रह जाएगा, तो वो yk ही रह गया, और ये जो वैल्यू है, दो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की इन्हीं को लिखा है, तो पहली वाली वैल्यू है pk, यहाँ पे बस b की जगह आर वाई होगा और x a की जगह आर एक्स होगा, तो देखो पी वन के प्लस टू बी की जगह आया आर वाई आर स्क्वायर वाई एक्स के प्लस वन प्लस बी स्क्वायर है तो फिर से आया आर वाई आर वाई स्क्वायर, फिर अदरवाइज द नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है सर्किल पे वो मैंने अभी डिस्कस किया था एक्स के प्लस वन होगा और वाई के माइनस वन हो जाएगा, यहां मैंने बताया था इस चीज को, ठीक है, तो वाई के जो वाई की पोजिशन है वो अब एक से कम हो जाएगी और नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा पी वन, ये पी वन के प्लस टू, ये मैंने कैलकुलेट यहाँ पे आपको करके बताया बी और ए के फॉर्म में, तो बस बी की जगह हमें आर एक्स आर वाई रखना है और अगर ए मिलता है तो आर एक्स रखना है, तो ये यहाँ पर वही वैल्यू है, बस बी और ए का जो है वो चेंज किया गया है, ठीक है। विद यहाँ पर देखिए इन्होंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दिया है, जो हमने यहाँ पर जो एक्स के प्लस वन है ना उसको उन्होंने एक्चुअली बताया है कि अगर हम एक्स के प्लस वन की जगह एक्स के मतलब उसको इलाबोरेट कर देते हैं, मतलब क्या रख देते हैं इसकी जगह एक्स के प्लस वन रख देते हैं, तो जो आपकी ये वैल्यू है ये वाली वैल्यू वो इसको जब आप ओपन पूरा एक्स के प्लस वन रख देंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है, और अगर आपकी ये वाली वैल्यू है अगर वाई की वाई के प्लस वन की जगह हम वाई के माइनस वन रख देंगे तो ये वाली वैल्यू पूरा ओपन होके ये आ जाएगी, ठीक है, तो उन्होंने बिट ऐसा कर दिया। कंटिन्यू कब तक करना है इसको, जब तक मैंने वो एक कंडीशन आपको बताई थी कि टू बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए स्क्वायर वाई, है ना, या ए और बी की जगह आर वाई और आर एक्स लिया, अगर आपको ए और बी से समझ में आता तो ए और बी भी आप यहां पर पुट कर सकते हैं शुरू से, ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेप में हमें रीजन टू पे जाना है, कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिसीजन पैरामीटर इन रीजन टू, अब रीजन टू की बात कर रहे हैं, यूजिंग द लास्ट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो कैलकुलेटेड इन रीजन वन, रीजन वन में जो भी लास्ट वैल्यू कैलकुलेट हुई है एक्स वाई की उसको हमें एज ए इनिशियल पॉइंट लेके चलना है रीजन टू के लिए, ठीक है, रीजन टू के लिए वो इनिशियल, क्योंकि रीजन वन के लिए इनिशियल पॉइंट हमें मिल गया था जीरो बी था, लेकिन रीजन टू के लिए हमें इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसको हम मान लेते हैं कि इट इज इक्वल टू एक्स जीरो वाई जीरो, तो अब हमने पी वन निकाला था, अब हम निकालेंगे पी टू, ठीक है, तो पी टू के लिए हमें क्या करना है, तो पी टू के लिए बता देती हूँ मुझे अपने को क्या करना है, हमको क्या करना है, तो
पी टू की बात करते हैं हम, रीजन टू का डिसीजन पैरामीटर पी के टू, सॉरी है ना, पी के टू, पी के टू जो होगा दैट इज इक्वल टू एफ एक्स के प्लस वन वाई टू माइनस वाई के माइनस वन बाई टू, क्योंकि रीजन टू में मैंने बताया था कि वाई के जो है वाई के प्लस वन नेक्स्ट वाई के जो होगा वो हमेशा प्रीवियस वाई से एक कम होगा, लेकिन नेक्स्ट एक्स जो होगा उसके लिए हमारे पास दो सिचुएशन है, एक तो वही एक्स के रख दो या फिर जो एक्स है प्रीवियस उससे एक ज्यादा कर दो, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे और इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा एक्स के प्लस वन बाई टू, इसको और इसको हम पुट करेंगे डिसीजन पैरामीटर के लिए और फिर हम निकालेंगे रीजन टू का डिसीजन पैरामीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर एक्स के प्लस वन प्लस वन वाई टू, ऐसा करना पड़ेगा सॉरी कॉमा वाई के प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो बी स्क्वायर एक्स के प्लस वन प्लस वन वाई टू का स्क्वायर प्लस सॉरी इसकी जरूरत नहीं है ए स्क्वायर वाई के प्लस वन, तो वाई के माइनस वन ही रहेगा जो मैंने ऊपर बताया था, तो वाई के माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब क्या करना है हमें, पी के टू प्लस वन की वैल्यू हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी के टू, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो हमारा जो भी वैल्यू आप जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, पी के टू प्लस वन इज इक्वल टू पी के प्लस बी स्क्वायर दो वैल्यू मिलेंगी इसकी, क्योंकि पी के टू प्लस वन की हमें दो वैल्यू मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ पी के टू, जैसा हमने पहले करा था वैसा ही इसको सॉल्व करना है, ज्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे अब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको बन जाएगा ये, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था उस तरीके से, ठीक है। ये कंडीशन जब है जबकि पी के टू जो है लेस देन जीरो है, और ये कंडीशन जब है जब पी के टू इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस ऑकर होंगी, ये दो आपको वैल्यूज हमें मिलेंगी पी के टू की। अगर इनिशियल निकालना है तो पी के टू हम कैसे निकालेंगे, पी के टू जीरो, पी के टू जीरो कैसे निकालेंगे, हमारा जो ऊपर ही था बी स्क्वायर एक्स के सॉरी जो हमने पी के टू लिया था वो लिया था एफ एक्स के प्लस वन वाई टू वाई के माइनस वन, ये लिया था, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने हमने शुरुआत करी थी एक्स जीरो वाई जीरो से रीजन टू के लिए, क्योंकि एक्स जीरो वाई जीरो हमको पता नहीं है, तो हम यहां पे लिख देंगे बी स्क्वायर एक्स जीरो प्लस वन वाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा पी के टू जीरो रहेगा, ये हमारा पी के टू का इनिशियल डिसीजन पैरामीटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें अभी ये एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू नहीं पता है, है ना, एक्स जीरो वाई जीरो की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हमें यहां पर नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहां पर ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है, और ये तो सॉल्व करने पर आएगा। तो ठीक है, हम स्टेप्स की ओर चलते हैं हमारे, तो हमारा स्टेप्स फोर में था, स्टेप फोर में था कि कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिसीजन पैरामीटर इन रीजन टू, रीजन टू यूजिंग द लास्ट पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो कैलकुलेटेड इन रीजन वन एज पी टू जीरो, पी टू जीरो मतलब सेकेंड रीजन का है इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, तो ये मैंने बता दिया, ए और बी की जगह बस आर एक्स और आर वाई हमको पुट करना है, देखिए है ना, बी की जगह आर वाई ए की जगह आर एक्स पुट कर दीजिए और आपका ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एट ईच
y के पोजीशन इन रीजन टू, क्योंकि अब हम y के को सैंपल लेके चल रहे हैं. स्टार्टिंग एट k इक्वल टू जीरो परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट. कौन से टेस्ट परफॉर्म करना है? अगर पी टू के ग्रेटर देन जीरो है तो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर जो होगा वो होगा एक्स के और वाई के माइनस वन, और आपका पी टू के जो है वो आएगा पी टू के माइनस टू आर स्क्वायर एक्स वाई के वन. ये कैलकुलेट करने पर आपका मिल जाएगा. अदरवाइज जो नेक्स्ट डिसीजन पैरा नेक्स्ट पॉइंट होगा जो कैलकुलेट सर्किल नहीं इलिप्स है ये, है ना, सर्किल नहीं है इलिप्स है, ड्रॉ होगा वो होगा एक्स के प्लस वन वाई के माइनस वन. वाई के यहां पर फिक्स है, देखो ये वाई के माइनस वन है और एक्स के चेंज होके एक्स के हो रहा है या फिर एक्स के प्लस वन हो रहा है. तो ये आएगा आपका पी टू के प्लस वन इज इक्वल टू पी टू के प्लस टू आर स्क्वायर वाई एक्स के प्लस वन माइनस टू आर स्क्वायर एक्स वाई के प्लस वन आर स्क्वायर एक्स. ये कैलकुलेट हो जाएगा यूजिंग द सेम इंक्रीमेंटल कैलकुलेशन फॉर एक्स एंड वाई एज इन रीजन वन. ठीक है, वैसे ही हमको जैसे हम वहां पर कर रहे थे रीजन वन के लिए वैसे ही करेंगे. अभी स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुआ. सिक्स स्टेप में क्या करना है? डिटरमाइन करना. अब आपने एक्स और वाई डिफरेंट डिफरेंट निकाल लिए रीजन वन के लिए रीजन टू के लिए. फिर आपको डिटरमाइन करना है सिमेट्री पॉइंट इन द अदर थ्री कोऑर्डिनेट. ठीक है, मूव ईच कैलकुलेटेड पिक्सल पोजिशन एक्स वाई ऑन टू द एलिप्टिकल पाथ सेंटर्ड ऑन एक्स वाई. अभी हमने जो लिया था पहले एक्स जीरो वाई जीरो को एक सेंटर मतलब ओरिजिन को मान कर लिया था. ठीक है, तो आपके जितने भी पॉइंट कैलकुलेट हुए हैं उनको हमें इस सेंटर पर अगर मूव करना है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स जो भी आपका कैलकुलेट हुआ उसमें सेंटर पॉइंट को ऐड करेंगे, y में भी सेंटर पॉइंट को ऐड करेंगे और हमें स्टेप्स को रिपीट करना है रीजन वन में जब तक कि हमें ये कंडीशन ना मिल जाए जो कि हमने एक बार डिस्कस की हुई है ना. तो ये थी एल्गोरिथम. काफी लंबा हो गया है ये. मैं इसकी एल्गोरिथम का ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको इसमें एक पिक क्लिक करके भी डाल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.